अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के बारे में, और आपके लिए हमने मैसेज ऑफ द मंथ यहाँ पर लिखा है कि अब समय है आपकी योजनाओं को फुल स्पीड देने का, और इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल एंड द मैसेज ऑफ द मंथ एंड अफर्मेशन फॉर द मंथ, इनके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ के इश्यू से शुरू करेंगे। बट शुरू करने से पहले आज के हमारे स्पॉन्सर हैं artscrafted.com, हर प्रकार की भांति, और इनकी इनकी वेबसाइट है। ये हैंडमेड, हैंड पेंटेड, हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी बेचते हैं। यहाँ पर काफ़ी सस्ते दामों में ये ज्वेलरीज अवेलेबल हैं, और आप जाकर के इनको चेक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम अपने वीडियो पर वापस आते हैं और बात करते हैं आपके हेल्थ के सेक्शन से। देखो भाई, सिंह राशि वालों, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, ठीक है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। ये जो भी उल्टा सीधा खाना है इसको छोड़ के आप हेल्दी फूड पर वापस आ जाइए, ठीक है। इस महीना आप वापस आ जाइए और थोड़ा योगा वगैरह की हेल्प लीजिए, बिल्कुल चीज़ें ठीक ठाक होने लग जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई के मामले में कोई यहाँ पर मुझको कुछ खास कुछ यहाँ पर बाधाएं नहीं दिख रही हैं। छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं जिनका निराकरण आप बिल्कुल आप कर लेंगे, और जो सिंह राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है, बढ़िया यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है करियर। वह कार्यस्थल पर आपके जो है चीज़ें आपके पक्ष में बनी हुई हैं, लेकिन आपकी मेहनत भी जारी है, उस मेहनत का फल भी आपको सितंबर के महीने में मिलेगा, जिसमें तरक्की और अच्छे पैसे भी शामिल है। नेक्स्ट है हमारे पास फिनेंस। फिनेंस की स्थिति जो है वो बढ़िया बनी हुई है इस बार भी, और सिंह राशि वालों के पूरे कंट्रोल में है और किसी भी तरह का व्यवधान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में लव। प्यार मोहब्बत के मामले में सिंह राशि के लोग थोड़े से शाही होते हैं, मतलब उनका शर्मिले स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी अपनी बात नहीं कहते और बहुत जल्दी से उनको उम्मीद भी नहीं होती कि सामने वाला जो है वो सुनेगा उनकी बात, लेकिन इस बार जो है आपकी बात सुनी जाएगी और आपका जो रोमांटिक अलायंस है वो बिल्कुल एक तरीके से आगे बढ़ेगा, और जिनसे भी आप बातचीत करना चाहते थे हो सकता है वो खुद ही आकर के आपसे बातचीत करना शुरू करें, ठीक है, बट यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपकी मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ शानदार चल रही है, आप लोगों पर भरोसा करना चाहते हैं और करते भी हैं, और लोगों की बातों पे भरोसा करना भी एक अच्छी चीज़ है, स्पेशली अपने पार्टनर के लिए। हो सकता है यहाँ पर आप अपनी मैरिड लाइफ में फैमिली एक्सपेंशन की बातचीत भी आगे बढ़े और कुछ जो आपस में कुछ विचार वगैरह भी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंडशिप। आपकी यारी दोस्ती के मामले भी पूरी तरीके से आगे जाएंगे, पूरी तरीके से आप अपने दोस्तों का साथ लेंगे और उनके लिए वक्त भी आप निकालेंगे। आप इस महीने आप बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है तो अपने दोस्तों के लिए वक्त आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली, परिवार। परिवार की कुछ दिक्कतें हैं, परिवार कुछ जो है शायद रिनोवेशन करना चाहते हैं घर का, या कुछ ना कुछ और कुछ फैमिली फंक्शन, शादी विवाह कुछ करना चाहते हैं जिसमें आपसे सहयोग उनको अपेक्षित रहेगा और आपसे सहयोग मांगा जाएगा। हो सकता है वो सहयोग थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो, या मतलब लगे कि भाई बहुत ज़्यादा फैमिली डिमांड कर रही है, बट दैट्स हाउ, इसी तरह का डिमांड जो है फैमिली से आने की उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए आपके ट्रैवल की यात्राओं के विषय में क्या हो रहा है। यात्राओं के विषय में यह है कि भाई यात्राएँ आपकी होंगी और हो सकता है आप इन यात्राओं पर दूर कहीं निकल जाएँ, मंदिर में दर्शन करने निकल जाएँ, या जिस किसी भी धर्म को आप मानते हैं वहाँ पर अपने इष्ट देव को आप दर्शन करने के लिए थोड़ा सा दूर निकल जाएं, और परिवार को भी आप लेकर के साथ जाना चाहेंगे। और सिंह राशि के लोग 35 के बाद बिल्कुल पारिवारिक व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मैसेज ऑफ द मंथ। अब समय है आप अपनी योजनाओं को फुल स्पीड दें, सितारे भी आपके पक्ष में हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कुछ किसी भी तरह की रुकावटों का सामना करना पड़े, तो अब बिल्कुल ये एक सही समय है जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके आप उनको केंद्रित करके अपनी योजनाओं को फुल स्पीड दे सकते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में अफर्मेशन फॉर द मंथ। अफर्मेशन फॉर द मंथ हिंदी में है और इसको आप अपने लिए आप याद रख सकते हैं, किसी डायरी में लिख सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भी इसको आप दोहरा सकते हैं। तो ये है आपके लिए, हे भगवान, मैं अपनी योजनाओं को फुल स्पीड दूंगा इस बार, और मेहनत मेरी रहेगी, और जो है आपकी दुआओं या आपकी रहमत से मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु मेरा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच इंडीड।
एंड गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।